नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स हैं कि ऐसे काउंटर्स हैं जिनका प्रिंसिपल जो होगा शिफ्ट रजिस्टर वाला होगा, लेकिन हम इससे कुछ सीक्वेंस जो है उसकी काउंटिंग भी करेंगे। अब ये आपके पास मल्टी स्टेज हो सकता है, 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज तक आप इसको 5 स्टेज का आप इस पे जो है ना वो बना सकते हैं, और इसमें जो इनपुट सीक्वेंस होंगे वो हमेशा मौजूद रहेंगे। अब इसमें 2 किस्म के काउंटर्स हैं, एक को जॉनसन काउंटर कहा जाता है और दूसरे को रिंग काउंटर कहा जाता है। तो इस वीडियो में जो है वो हम जॉनसन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आमतौर पर ये है कि आप अगर इसी डायग्राम देखें तो इसमें ये एक 4 बिट जॉनसन काउंटर है जो कि 4 बिट्स में अंदर काउंटिंग करेगा, और इसमें आप देखें कि सीरीज में ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, और पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट, तीसरे की आउटपुट चौथे की इनपुट, और चौथे की जो इन्वर्टेड आउटपुट है, जाहिर है Q3 आपके पास यहाँ था लेकिन यहाँ पे Q3 बार है। अब हमने पीछे देखा था कि हमें बार वाले की जरूरत नहीं होती थी, हम उसको मेंशन नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें क्योंकि बार वाले की जरूरत है हमने उसको मेंशन किया, और उसको फिर हमने यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप 0 है जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसके साथ जोड़ दिया हुआ। तो इस तरह जो चौथे की इन्वर्टेड आउटपुट है वो पहले की इनपुट बन चुकी हुई है। अच्छा, अब इसमें काउंटिंग कैसे होगी, अगर आप देखें तो ये आपके पास बिट सीक्वेंस काउंटर है जिसमें इनिशियली आपके पास 0 0 0 तमाम इनपुट्स आपको आउटपुट्स आपके पास 0 0 हैं, और उसके बाद जैसे आपके पास पहली क्लॉक पल्स आएगी तो आपके पास बेसिकली ये देखें कि चौथी आउटपुट Q3 है आपके पास 0। आपने इन्वर्ट करना है क्यू को और उसको इनपुट बनाना है किसकी, क्यू नॉट की, ठीक है। जैसे कि फिगर में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसकी आउटपुट है 0 Q3, लेकिन जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो क्या है, डी की इनपुट है। तो यहाँ पे अगर 0 होगा Q3 पे तो Q बार पे आपके पास 1 होगा, और ये 1 बेसिकली इनपुट होगा पहले फ्लिप फ्लॉप की। अब जैसे ही आपके पास ट्रिगर आएगा तो ये जो 1 होगा ये बेसिकली इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब बाकी 3 इनपुट्स क्योंकि 0 थी, बाकी तीनों भी, तो उन 0 की वजह से हर एक आउटपुट पे आपके पास क्या ट्रांसफर होगा, 0 ट्रांसफर होगा। सिर्फ पहली के अलावा क्यू नॉट की आउटपुट आपके पास 1 हो जाएगी, बाकी तीनों के तीनों आपके पास 0 हो जाएंगे। अब ये देखें कि ये आपके पास पहला ट्रिगर आ चुका, और पहले ट्रिगर के बाद आउटपुट की ये सिचुएशन है। अब इसमें देखें Q3 फिर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू नॉट की आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप 0 है उसकी इनपुट क्या होगी, इस 0 का इन्वर्टेड वो क्या है, 1। और जब दूसरा ट्रिगर आएगा तो क्यू नॉट जो है वो आपके पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब Q1 की इनपुट क्या थी, जो यहाँ पे आ चुकी हुई है, वो भी 1 में ट्रांसफर हो जाएगा। अब Q2 की लिए इनपुट क्या थी, वो 0 थी, वो यहाँ 0 हो जाएगा। Q3 के लिए इनपुट क्या थी, 0, वो यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है जी। अभी आप देखें कि ये एक एक स्टेज आगे चले गए हैं, इस तरह ये एक एक स्टेज जैसे हमने सीरीज ट्रांसफर शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ते हैं कि वो हर ट्रिगर के साथ जो डाटा होता है वो एक एक शिफ्ट आगे चलता चला जाता है, यहाँ पे सेम वैसा ही हुआ। अच्छा, अब देखें इस सेकंड ट्रिगर के बाद Q3 फिर 0 है, तो क्यू नॉट के लिए जो पहला फ्लिप फ्लॉप होगा उसके लिए इनपुट क्या होगी, इसका इन्वर्टेड 1, ठीक है। तो इसके इन्वर्शन की इनपुट 1 की वजह से आपके पास क्यू नॉट आउटपुट भी 1 आ जाएगी थर्ड ट्रिगर के बाद, और बाकी ये 2 1 जो हैं जो पहले अपेयर हो चुके हैं वो 2 अगली स्टेजेस पे आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। थर्ड ट्रिगर के बाद फिर Q3 की आउटपुट क्या है, 0, ये 0 फिर क्या हो जाएगी, 1 हो के इसकी इनपुट बनेगी, और चौथे ट्रिगर के बाद यहाँ 1 आ जाएगा। पिछले स्टेज में यहाँ पे 3 आउटपुट से 1 अपेयर हो चुके हुए थे, तो ये 3 1 1 2 और ये 3 ये अगली स्टेजेस की तरफ ट्रांसफर हो चुके हुए हैं, ठीक है जी। अब चौथे ट्रिगर के बाद जो Q3 है वो आपके पास 1 आ चुका हुआ है, तो Q3 बार क्या होगा, 0। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्यू नॉट की इनपुट होगी वो क्या होगी, 0। जाहिर है वो इसका 0 जब इनपुट होगी, और जब आपके पास फिफ्थ ट्रिगर आएगा तो ये 0 इनपुट से क्यू नॉट आउटपुट में 0 प्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि बाकी 3 जो होंगे ये वाला 1, ये 1 और ये 1 ये आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद फिर वैसे ही होगा 6th ट्रिगर पे, क्योंकि Q3 आपके पास 0 है, Q3 बार Q3 1 है, Q3 बार 0 होगा, तो
तो यहाँ पे फिर आपके पास जीरो आ जाएगा, ये वाला जीरो आके ट्रांसफर हो जाएगा। सिक्स ट्रिगर के ऊपर ये वन आ चुका हुआ है, ये फिर आपके पास इन्वर्ट होके जीरो प्रोवाइड करेगा, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे तीन जीरो आ जाएंगे। और अगर आप इसके बाद आठवां ट्रिगर लेके आते हैं, वो क्या करेगा, वो इस वन के जरिए से यहाँ पे आठवीं जगह पे ये जीरो प्रोड्यूस कर देगा, और ये वाले तीन जीरो जो है वो अगली तीन स्टेजेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। आपके पास आठ ट्रिगर के बाद एक दफा फिर जीरो 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 और जीरो आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये काउंटर अपने दोबारा वो स्कीम जा रही है, क्यू थ्री जीरो हो गया तो फिर ये यहाँ पे वन, और फिर ये साइकिल आपके पास ये दोबारा शुरू हो जाएगा। ये आपके पास था जब आप फोर बिट जॉनसन सीक्वेंस की बात कर रहे थे। इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये फिफ्थ स्टेज भी है, फाइव बिट्स के लिए भी ये काउंटर मौजूद है। इसमें चार की बजाय पांच आपके पास फ्लिप फ्लॉप है। प्रिंसिपल सेम वही है कि जो पांचवा आपके पास फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो आपने फर्स्ट काउंटर की या फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ अटैच कर दी है, तो इसकी जो इन्वर्टेड आउटपुट हुआ करेगी वो हमेशा इसकी पहले काउंटर की या पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट हुआ करेगी। इसमें अगर आप इसका सीक्वेंस देख लें तो इनिशियल आपके पास सारे जीरो थे, अब क्योंकि ये जीरो था इसकी इन्वर्टेड आउटपुट वन होगी, तो जब पहला ट्रिगर आएगा तो क्यू नॉट वन हो जाएगा। फिर आपके पास ये जीरो है, जब दूसरा ट्रिगर आएगा अब ये जीरो है इसकी इन्वर्टेड इनपुट आपके पास वन है, तो ये वन हो जाएगा और ये वाला वन आगे शिफ्ट हो जाएगा अगले फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि इसकी जो इनपुट है वो इस वक्त वन हो चुकी थी, जैसे सेकंड ट्रिगर आया तो आउटपुट भी वन हो गई, ठीक है जी। तो इस तरह ये थर्ड के बाद आपके पास ये तीसरा आ गया और ये दो आगे शिफ्ट हो गए, तो इस तरह ये आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे और आपके पास ये पूरा साइकिल जो है वो इस वक्त आपके पास ये दस ट्रिगर के बाद दोबारा जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। जीरो से लेकर नौ तक ये तकरीबन टेन ट्रिगर बनते हैं और इसके बाद आपके पास ये दोबारा जीरो जीरो हो जाएगा। तो एक को फोर स्टेज जॉनसन काउंटर कहा जाता है और दूसरे को आपके पास फाइव स्टेज काउंटर जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। इसमें अगर आप इसकी टाइमिंग डायग्राम देखें तो इनिशियली आपके पास जीरो 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 और जीरो, जैसे ही आपके पास ये पहला ट्रिगर आएगा क्योंकि क्यू थ्री जीरो है और इसकी आपके पास ये इनपुट है तो ये वन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद जैसे ही पहला साइकिल आएगा ये इसका इन्वर्टेड आपके पास वन होगा तो वन जो है ये क्यू नॉट पे अपेयर हो जाएगा, ये जीरो यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, जारे जी मैं ये कहता हूँ ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो इनपुट होती है वो ये होता है, इसकी जो इनपुट होती है वो ये होती है, इसकी इनपुट ये होती है, और डी फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है जो इनपुट होती है ट्रिगर आने के बाद वही आउटपुट बन जाती है। अगर इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट जीरो हो जाती है, अगर इनपुट वन होता है तो आउटपुट वन हो जाती है। तो जो पिछली स्टेज होती है एक फ्लिप फ्लॉप की वो अगले स्टेज के लिए इनपुट का काम करती है और वही उसकी आउटपुट पे अपेयर हो जाती है। अच्छा, जब दूसरा ट्रिगर आएगा, अब आप देखें कि ये फिर भी आपके पास दूसरे ट्रिगर से पहले ये क्यू थ्री आपके पास जीरो है, जीरो होने की वजह से क्यू नॉट को क्योंकि इन्वर्ट होके जा रहा है तो ये क्यू नॉट की इनपुट वन, तो आउटपुट भी दूसरे ट्रिगर के बाद वन हो जाएगी। अब क्यू वन के लिए इनपुट ये वाली स्टेज थी इसकी, तो ये वन हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये क्यू वन जीरो था तो क्यू टू जीरो ही रहेगा, क्यू टू जीरो था तो क्यू थ्री भी जीरो ही रहेगा इस थर्ड ट्रिगर के बाद। अब हम यहाँ पहुंचे, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें सेकंड ट्रिगर पहुंच चुके हैं, थर्ड ट्रिगर से पहले आपके पास Q3 जीरो था तो Q3 बार क्या होगा वन, तो Q0 वन हो गया। Q1 क्या होगा, इस वन की वजह से ये वन हो जाएगा, और Q2 आपके पास इस वन की वजह से ये वन हो जाएगा, और Q3 क्या होगा, इसके जीरो होने की वजह से ये जीरो ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जीरो है फिर इन्वर्ट होके जाएगा Q0 के पास तो ये वन हो जाएगा, ठीक। अब ये वन है पिछली स्टेज में तो Q1 वन हो जाएगा, Q1 वन है पिछली स्टेज में तो Q2 वन हो जाएगा, Q2 वन है पिछली स्टेज में तो अब Q3 वन हो गया, इस चौथे ट्रिगर के बाद Q3 भी वन हो गया। अब देखें कि ये वन हो गया तो Q3 बार क्या होगा, जीरो। जीरो किसकी इनपुट होगा, Q0 की, तो ये देखें पांचवें ट्रिगर के बाद ये जीरो हो गया। अब ये क्योंकि वन था तो Q1 आपके पास वन रहा, ये वन था तो Q2 वन रहा, अब Q2 वन था इस स्टेज में तो Q3 भी आपके पास वन रहा। अब क्योंकि ये वन है
वन होने की वजह से फिर इन्वर्ट करें तो जीरो इसकी इनपुट, फिर जीरो तो आउटपुट भी जीरो। अब यहाँ पे ये क्यू नॉट जीरो था तो क्यू वन भी जीरो हो गया, क्यू वन वन था तो क्यू टू वन रहा, क्यू टू वन था तो क्यू थ्री भी वन रहा। अब ये वन है तो इनपुट क्या जाएगी जीरो, तो वही आउटपुट बन गया जीरो। फिर ये जीरो है तो यहाँ पे ये जीरो, ये जीरो है तो यहाँ पे ये जीरो, ये वन है तो यहाँ पे ये वन। अब ये वन है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, अब ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो। अब जीरो 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 चले थे और जीरो 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 पे वापिस पहुंच जाए, पहुंच गए हैं आठ ट्रिगर के बाद। ठीक है, अब सेम यहाँ पे जब आप फाइव बिट जॉनसन काउंटर करेंगे तो आप जीरो 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 से शुरू करेंगे और फिर जीरो 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 तक पहुंच जाएंगे। कितने उसके बाद 10 स्टेजेस के बाद, 10 ट्रिगर्स के बाद आप दोबारा इसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने जो प्रीवियस स्टेज की आपके पास इनपुट होती है ट्रिगर आने के बाद उसको इसकी आउटपुट बनाना है। ठीक है जी, और इसके ऊपर आपके पास इनिशियल डिपेंड करेगा जिसको आपने आगे चलाना है। ये आपके पास टाइमिंग डायग्राम थी।